हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हर्षा दुलेरा मेरी चैनल फूड फिएस्टा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं गुजराती स्पेशल डिश हांडवो। तो शुरू करते हैं हांडवो बनाना, चलिए किचन की ओर। फ्रेंड्स, हांडवा बनाने के लिए मैंने ये मार्केट से ही रेडीमेड आटा लिया है। ये सभी दुकानों में अवेलेबल रहता है। इसमें दाल और राइस सब मिक्स रहता है और ऐसा आटा रेडी मिलता है। जो चक्की वाले होते हैं, जहाँ पे सारे आटे पीस के मिलते हैं, वो लोग भी ये रखते हैं। तो मैंने ये रेडी आटा लिया है, हांडवे का ही आटा है, और इसको अभी हम भिगो के रखेंगे। यहाँ पे मैं 2 कप आटा ले रही हूँ, हांडवे का आटा। और उसमें मैं 1 कप जितना दही ऐड करूंगी। ये 1 कप दही है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। हांडवे के लिए हमें खट्टा दही चाहिए रहता है। अगर दही खट्टा नहीं है तो आप बाद में नींबू या नींबू के जो फूल मिलते हैं, साइट्रिक एसिड, वो डाल के भी हांडवे को थोड़ा खट्टा बना सकते हैं। ये हमारा दही अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। और हमें लंप फ्री बैटर रेडी करना है। हमें इडली का बैटर होता है, वैसे ही कंसिस्टेंसी हमारे हांडवे के आटे की चाहिए रहती है। तो हमारा ये हांडवे का बैटर अभी रेडी हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसी कंसिस्टेंसी होती है। और अभी हम इस आटे को ढक के गरम जगह पे फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। 5 से 6 घंटे लगते हैं। अगर आपको सुबह हांडवा बनाना है तो आप रात को ही रख सकते हैं, और शाम को अगर बनाना है आपको तो ये सुबह बना के ऐसे ढक के इसे फर्मेंट होने के लिए रख देना है। तो अब हम इसे ढक के फर्मेंट होने के लिए रख देंगे 5 से 6 घंटे। तो फ्रेंड्स, हांडवे के लिए जैसे कि हमने ये सुबह आटा भिगोया था और फर्मेंट करने के लिए रखा था, वो अभी आप देख सकते हैं, इसमें जाली जाली दिख रही है। हमारा आटा अच्छे से फर्मेंट हुआ है। तो अभी हम आगे की प्रोसीजर करेंगे। तो हांडवा बनाने के लिए हमें ये फर्मेंट किया हुआ आटा लगेगा।
और उसके अलावा क्या क्या चीज लगेगी मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए हमें ये दूधी लगेगी जो करीबन 250 ग्राम है, इसे हमें कद्दूकस कर लेना है। कड़ी पत्ता, यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट लिया है और मूंगफली ली है, किशमिश, काजू है, और ये मेरा मैजिक मसाला बॉक्स है जिसमें से कुछ मसाले हमें लगेंगे। स्वाद अनुसार नमक लगेगा, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये साइट्रिक एसिड है, नींबू के फूल जो खटास के लिए हमें लगेंगे, गरम मसाला, और ये सोडा है। आप सोडा के बदले में इनो भी यूज कर सकते हैं। तो हम आगे की प्रोसीजर शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ये दूधी को एक बड़े से बर्तन में कद्दूकस कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये दूधी है वो कद्दूकस करके ले ली है। अभी हम इसमें हमारा ये हांडवे का जो आटा बैटर हमने जो भिगोया था वो ऐड कर देंगे। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। फ्रेंड्स, हमें इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल ही नहीं ऐड करना है क्योंकि दूधी है जो लौकी है वो अपना पानी छोड़ती है नमक ऐड करने के बाद, तो हमें ये इसमें बिल्कुल ही पानी ऐड नहीं करना है। ये हमारा बैटर मिक्स होके रेडी है, अभी हम इसमें बाकी की चीजें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। मैंने इसमें करीबन 2 चम्मच जितना नमक डाला है। ये मैं 5 लोगों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने थोड़ा बैटर भी ज्यादा लिया है। आप अपने घर के मेंबर के हिसाब से कम या ज्यादा बना सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद मैं मेरे मैजिक मसाला बॉक्स में से मसाला ऐड करूंगी। सबसे पहले तो मैं इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करूंगी, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, थोड़ा और डाल रही हूँ 1/2 चम्मच जितना, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जितना गरम पाउडर, गरम मसाला पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच काजू और किशमिश लिए हैं वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैंने अदरक, मिर्ची और लहसुन का पेस्ट बना के रखा है कूट के। इसमें मैंने 2 मिर्ची ली थी, तो तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हैं। इन सारी चीजों को मिक्स कर देना है अच्छे से। हमारे मसाले बैटर में मिक्स हो गए हैं और यहाँ पे मैंने साइट्रिक एसिड 1 छोटी चम्मच जितना मैंने भिगो के रखा है पानी में, आप देख सकते हैं 2 चम्मच जितना पानी है वो मैं ऐड कर दूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा खट्टा हांडवा पसंद है तो इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा ही खट्टा डाल रही हूँ। और इसे भी हम मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैं ये बैटर जो रेडी हो गया है उसमें मैं 1 चम्मच जितना तिल डालूंगी। ये बहुत ही रिच डिश बनती है और एक ही
ये डिश से हमारा पेट भर जाता है। और एक चम्मच जितना अजवाइन डाल रही हूँ। अभी हमें इसी इन्हीं चीजों के ऊपर ही हमें तड़का लगाना है। यहाँ पे मैं इसके ऊपर ऐसे थोड़े से कड़ी पत्ते धोए हुए रख दूंगी और इसके ही ऊपर मैं खाने वाला सोडा डालूंगी। आप चाहे तो इनो का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं करीबन वन टीस्पून जितना सोडा ऐड कर रही हूँ और हमें ये ऐसे ही रखना है। इसके ऊपर ही हमें गरम तड़का लगाना है। हमारा तड़के का तेल रेडी हो गया है। थोड़ा चेक कर लेते हैं, हमारा ऑयल रेडी हो गया है। तो इस गैस को मैं बंद कर दूंगी और यहाँ पे मैं एक चम्मच राई डालूंगी, एक चम्मच जीरा और आधा चम्मच मैंने हींग डाला है। अभी हम इस तड़के को हमारे बैटर के ऊपर डालेंगे। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई गैस पे रख दी है। यहाँ पे हम सेकेंड तड़का लगाएंगे जिससे हमारा स्वाद बहुत ही अच्छा होता है हांडवे का। यहाँ पे हमारी कढ़ाई गरम हो गई है। अभी मैं इसमें दूसरा तड़का लगाने के लिए दो चम्मच ऑयल डालूंगी। इसमें मैंने दो बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है और ये हमारा होगा सेकेंड तड़का, जिसके लिए हमने थोड़ा सा राई डालना है ऑयल गरम हो जाने के बाद। हमारा ऑयल यहाँ पे गरम हो गया है तो हम इसमें आधा चम्मच राई डालेंगे और आधा चम्मच जीरा डालेंगे, थोड़ा सा हींग डालेंगे, एक चम्मच तिल डालेंगे और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता डालने के बाद सीधा ही हमें ये बैटर इसमें डाल देना है। बैटर को अच्छे से फैला देना है। 5 मिनट गरम आंच पे रखने के बाद हम इसे धीमी आंच पे करीबन 10 से 15 मिनट पकाएंगे। तो इसे मैं अभी ढक देती हूँ और बाकी का ये जो मेरा बैटर है उसे भी मैं दूसरी कढ़ाई में रेडी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने दोनों ही कढ़ाई में हांडवे का बैटर डाल के ढक्कन लगा के रख दिया है। अब हम इसे 10 से 12 मिनट तक एक तरफ से पका लेंगे। जब ये पक जाएगा तभी हम इसे पलट के दूसरी तरफ भी पका लेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, हमारे दोनों ही हांडवे एक तरफ से पक के रेडी हो गए हैं और अभी हम इसे पलटी करेंगे। तो ये बहुत ही सावधानी से पलटी करना है, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हमें इसके कॉर्नर ऐसे छुड़ाने हैं, ऐसे धार वाली चम्मच लेनी है हमें और ऐसे कॉर्नर छूट जाने के बाद हमें इसको थोड़े ऐसे दबा के नीचे से भी ऐसे हल्के से ये कर देना है ताकि हांडवा हमारा नीचे से भी चिपका हुआ है तो वो निकल जाए। और ऐसे करके तुरंत ही हमें इसे पलटी कर देना है। ये हमारा हांडवा एक तरफ से पक के रेडी है। अभी इसमें साइड से हम थोड़ा थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे, एक चम्मच जितना मैंने ऑयल ऐड किया है। और अभी हम इसे दूसरी तरफ भी पका लेंगे। यहाँ पे मैंने दूसरी तरफ से भी हांडवा पकने के लिए रख दिया है। अभी हमें इसे
ढक्कन नहीं लगाना है, ऐसे ही पकने देना है। 5 से 10 मिनट में हमारा दूसरी तरफ से भी हांडवा पक के रेडी हो जाएगा। ये मेरा दूसरा हांडवा भी पक के रेडी हो गया है और इसको भी मैं अच्छे से सावधानी से पलट दूंगी। और ये काम बहुत ही क्विकली करना है, या तो आप इसे दूसरा तरीका भी दिखाती हूँ, ऐसे थाली रख के इसको आप ऐसे कोई भी कपड़े से ऊपर से और नीचे से पकड़ के और ऐसे उल्टा कर देंगे और ये ऊपर का जो कढ़ाई है वो हम बिल्कुल सावधानी से ऐसे ले लेंगे। देखिए ये मेथड भी बहुत ही इजी है। ये हमारा हांडवा थाली पे आ गया है और अभी हम इसमें कढ़ाई में नीचे 1 चम्मच ऑयल डाल के और धीरे से हमारा हांडवा को वापस से कढ़ाई में रख देंगे। अभी हम इसको भी दूसरी तरफ से पका लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे दोनों ही हांडवों को हमने पलट के वापस से इसको सेकने के लिए रख दिया है। अभी 5 से 10 मिनट में ये नीचे की तरफ से भी हांडवा पक के सिक के रेडी हो जाएगा और क्रंची सा हांडवा हम इसका डिनर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे ये हांडवो रेडी हो गया है, दोनों ही हांडवो रेडी हो गए हैं। अभी हम इसे कट करके परोसेंगे। फ्रेंड्स, अभी मैं इसको कट लगा रही हूँ। ये बिल्कुल ही हमारे केक के जैसा ही है। बहुत ही क्रंची बनता है, कुरकुरा सा। बहुत ही गर्म है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा हांडवा तैयार है, लाजवाब, डिलीशियस, खट्टा सा, तीखा सा। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी हांडवे की रेसिपी कैसी लगी, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, अपने एक्सपीरियंस शेयर करिएगा मेरे साथ। और अगर आप मेरी चैनल पे न्यू हैं तो मेरी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको मैं अपनी न्यू रेसिपी दिखाती रहूं और आप बनाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के टाइम, तब तक बाय बाय, थैंक यू।